हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस। शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीसीसी 2022 के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग यानी सुबह सुबह का समय है। आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट राउंड के बारे में, कि जिनका जिनका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है, सुन लो, जिस जिस व्यक्ति को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है और जो जिस स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और उनकी अगर कॉलेज की बात करें, जी हाँ, उनकी अगर कॉलेज की बात करें तो उनका जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका कॉलेज जो है अच्छा नहीं मिला है, जी हाँ, जिस स्टूडेंट का कॉलेज जो है अच्छा नहीं मिला है, उनको लगता है कि मेरा कॉलेज जो है अच्छा नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट जो है आप ग्रेड करवा देंगे। जी हाँ, आप ग्रेड करवा देंगे, यानी जो है ऑप्शन में यस कर देंगे। जी हाँ स्टूडेंट, जो जो बच्चे यस नहीं किया, यस कर देगा। इसलिए जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरा फर्स्ट राउंड में जो है रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया, मेरा और बढ़िया कॉलेज में आ सकता था, वो वैसे स्टूडेंट, ठीक है ना, सब करवा देगा तो अगला बार मिलवा नहीं करेगा सेकंड राउंड में, ठीक है ना। तो अपग्रेड कराने से हो सकता है आपको सेकंड राउंड में बढ़िया कॉलेज मिले। अगर सेकंड राउंड में, देखो एक बात यहाँ पे समझ लेना, कि जिस जिस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें फर्स्ट राउंड में, जिस स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आया है ना, वो वैसे सारे स्टूडेंट, चाहे अपग्रेड कर दिया वो भी, जो अपग्रेड ना किया है वो भी, जितने भी स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जी हाँ, जितने स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट राउंड में, जिनका जिनका रिजल्ट आ गया है वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, और अपग्रेड जिनको अच्छा लगता है कि अच्छा कॉलेज हमको मिलता वो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर नहीं करवाते हो तो सेकेंड राउंड में आपको परेशानी हो सकता है। इसलिए अब अपग्रेड कराने से क्या होता है कि हो सकता है आपका रैंक के आधार पर सेकंड राउंड में जो है आपको बढ़िया से कॉलेज मिल जाए, है कि नहीं, इसलिए अपग्रेड किया जाता है। लेकिन आपको जब संतुष्ट है तो मत कीजिए, और अगर आ ही गया फर्स्ट राउंड में तो जहां भी मिला आप ले लीजिए, एडमिशन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, फालतू को चक्कर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो देखो डॉक्यूमेंट जो ज्यादा खास नहीं लगता है, आपका रैंक कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, फिर आपका अलॉटमेंट हुआ है, जो अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज, वो अलॉटमेंट जो है लेटर लगेगा, जी अलॉटमेंट लेटर लगेगा, उसके बाद फिर आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फिर उसके बाद जो है आपको फोटो लगेगा, फोटो लगेगा, फिर उसके बाद जो आपको लगने वाला है जाति आय आवासीय, जाति आय आवासीय लगेगा, उसके अलावा आपको जो है लगने वाला है फिर आपका सीएलसी लगेगा, सीएलसी अगर नहीं है तो माइग्रेशन हो जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखो आपको जो प्रोविजनल मिला उसके नीचे लिखा रहता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंटर में, सीएलसी लगेगा, माइग्रेशन जो है सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा, जी हाँ ट्वेल्थ का मार्कशीट आपको जो है लगेगा, ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा, एकदम निश्चित है ट्वेल्थ का मार्कशीट आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे फिर आपका जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर था वो बीसीसी का, वो बीसीसी का ही लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में कर लीजिए, कि आपको जो बीसीसी का रिसीविंग मिला था पार्ट ए और पार्ट बी, ये जरूर लगेगा, ठीक है, इसको अभी नहीं है तो खोज कर रख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।